हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एसर्शन कह रहा है कि द पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल, और रीजन कह रहा है कि फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एसीटेट आयन। और एसर्शन रीजन के जो बच्चों चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये सवाल जो है हमारे पास, ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की बात की गई है, तो हम लोग एसिटिक एसिड का ही एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए चलते हैं। ये एसिटिक एसिड है हमारे पास, ये जब प्रोटोन लूज करेगा तो ये यहाँ से बनाएगा एसिटेट आयन, और साथ ही बनाएगा ये H+ आयन, है ना। अब अगर इसके Ka की वैल्यू लिखी जाए तो वो हो जाएगा CH3, यानी एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन इंटू H+ का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3 COOH का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो Ka की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ आयन के कंसेंट्रेशन की, या फिर आप इसको ये बोल लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम PKa की वैल्यू की बात करें, तो बच्चों PKa की वैल्यू क्या होती है? -log of Ka। तो -log of Ka जब हम करेंगे तो ये बेसिकली PKa के साथ क्या रिलेशन आ जाता है इसका? अगर आप -log of Ka करते हो तो ये H+ जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो हो जाएगा बेसिकली log of 1 by Ka, तो वो हो जाएगी चीज हमारे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके PKa की वैल्यू जो होगी वो कम हो। ठीक है, अब यहां पर आती है बात कि फिनोक्साइड मतलब सॉरी फिनॉल फिनॉल और एसिटिक एसिड में ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो बच्चों वहां पे जो आपके पास एसिटेट आयन बना है, यानी कि CH3COOH से जब हमने H+ निकाला, तो ये हो जाएगा CH3COO- और प्लस बन जाएगा आपके पास H+। अब देखो, यहां पर जो ये आपके पास एसिटेट आयन बना है ना, ये इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज ये होती है कि इसके जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही कमाल की स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर। जब आप फिनॉल के केस में ऑब्जर्व करेंगे, तो फिनॉल जैसे कि ये है आपका, ठीक है, तो फिनॉल में जब आपने H+ निकाला तो वहां पे बनेगा बच्चों फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ये O- और यहां पर से H+, तो ये जो आपका फिनोक्साइड आयन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे O- इस तरीके से आपके देख लीजिए, मैं रेजोनेंस आपका इसका ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे -चार्ज, डबल बॉन्ड हो, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से, ये फिर इधर की तरफ, ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, और यहाँ पर देखो आप रेजोनेंस बनेगा, अच्छे खासे रेजोनेंस होगी यहाँ पे। फाइनली आपके पास फिनोक्साइड आयन जैसा था वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप देखो ना, पहले एसिटेट आयन के केस में देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक कार्बोनाइल कार्बन, मतलब एक सी डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली दूसरे वाले में भी सी डबल बॉन्ड ओ और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पर ऐसी चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? फिनोक्साइड आयन के केस में नहीं कह सकते। तो फिनोक्साइड आयन जो होता है वो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू एसिटेट आयन। तो क्योंकि फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन एसीटेट आयन। ठीक है बच्चों, तो एसीटेट आयन क्योंकि कम ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए एसिटिक एसिड जो होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो एसिटिक एसिड हमारा ज्यादा अच्छा एसिड है, तो उसका पीकेए वैल्यू क्या होगा? कम होगा। हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीकेए वैल्यू, तो पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल, तो ये तो सही बात है, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा ज्यादा अच्छा एसिड है इसलिए उसकी पीकेए की वैल्यू कम
कम होगी। वहीं पे रीजन स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन एसीटेट आयन। हमने ये देखा कि एसीटेट आयन और फिनोक्साइड आयन दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, बट एसीटेट आयन इज मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज क्योंकि वहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो रीजन वाला जो है बच्चों स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और उस हिसाब से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।